की वीडियो में हम देखते हैं क्लासेस मोर देन 5 स्टूडेंट, ये क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं एसक्यूएल के थ्रू। तो इसकी मैंने क्वेरी लिखी हुई है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कैसे वर्क करेगी। ठीक है, अभी आप क्वेरी को भूल जाओ, क्वेश्चन को पहले ढंग से समझो। ठीक है, अच्छे से आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करता हूँ कि एक टेबल दी है जिसपे हमारे पास, देखो एक टेबल है जिसका नाम है कोर्सेज, जिसमें दो कॉलम है स्टूडेंट और क्लास। तो आप देख सकते हो ये दिए हुए लिस्ट आउट ऑल क्लासेस विथ हैविंग मोर देन और इक्वल टू 5 स्टूडेंट। तो हमें वो क्लास का नाम रिटर्न करना है जिसमें 5 या उससे ज़्यादा स्टूडेंट हो। जैसे आप देख सकते हो मैथ, यहाँ पे क्लास लिखी है जिसका स्टूडेंट ए, मैथ सी, मैथ ई, मैथ जी, मैथ एच, मैथ आई। तो मैथ का टोटल काउंट टोटल कितना है? 6। तो इसलिए हम ये रिटर्न करके दे देंगे क्योंकि इसका जो काउंट है वो 5 या 5 से ज़्यादा है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। एक चीज़ नोटिस करने वाली ये है कि द स्टूडेंट्स शुड नॉट बी काउंटेड डुप्लीकेट इन ईच कोर्स, मतलब यहाँ पर डुप्लीकेट स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे कर सकते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का एक सिंपल सा तरीका है कि आप एक इमेजिनेशन बनाओ। ठीक है, एक इमेजिनेशन बनाओ। सपोज करो कि अगर मैं कोई इस टाइप की टेबल बना लूं, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, वो क्लास चाहिए जिसका जो काउंट हो स्टूडेंट का वो 5 या 5 से ज़्यादा हो। तो अगर मेरे पास कोई एक ऐसी टेबल हो, एक कोई मेरे पास ऐसी टेबल बन जाए जिसमें यहाँ पर क्लास का नाम लिखा हो और यहाँ पे उसका एक काउंट लिखा हो, ठीक है, तो मैं चेक कर सकता हूँ अगर काउंट 5 या 5 से ज़्यादा है तो मैं रिटर्न कर दूंगा। तो क्या कर सकते हैं, तो हम क्लास को गिन सकते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे अगर मैं सपोज़ ये कह रहा हूँ, अगर यहाँ पर लिखा है मैथ, तो मैथ का यहाँ पे काउंट लिखा हो, क्या लिखा हो यहाँ पे मैथ का काउंट? 6, क्योंकि टोटल 6 बार आया है मैथ क्लास। ठीक है, सपोज अगर हिंदी है तो हिंदी का काउंट लिखा हुआ है 1, अगर वो 1 बार आया है तो। ठीक है, इस टाइप का मैं कुछ बना लूँ तो फिर मैं चेक कर लूँगा कि काउंट अगर 6 से ज़्यादा है तो ये मतलब 5 से ज़्यादा है या 5 है तो मैं उसको रिटर्न कर सकता हूँ। तो सिंपल चीज़ है ये, हम कैसे कर सकते हैं? ये कर सकते हैं हम ग्रुप बाय से। अगर हम क्लास से ग्रुप बाय कर दें, अगर हम क्लास से ग्रुप बाय कर दें तो ये ऐसा कुछ ग्रुपिंग कर देगा। ठीक है, और अगर हम हैविंग क्लॉज में अगर हम देख लें कि अगर उसका काउंट 5 या 5 से बड़ा है तो रिटर्न कर दो। सिंपल सी चीज़ है, तो सिंपल सी क्वेरी हमारी सॉल्व हो जाएगी। तो वही क्वेरी मैंने लिखी हुई है, सिंपल है बिल्कुल। सिलेक्ट क्लास, सबसे पहले हमें देखना होता है हमें क्या रिटर्न करना है। तो हमें क्लास रिटर्न करना है, तो सिलेक्ट क्लास फ्रॉम कोर्सेज टेबल का नाम ग्रुप बाय क्लास, इससे हमने ग्रुप बाय कर दिया। हैविंग काउंट, अब यहाँ पे मैंने डिस्टिंक्ट लगाया हुआ है क्योंकि ये बात इंपॉर्टेंट है, इसमें लिखा है कि डुप्लीकेट्स हो सकते हैं स्टूडेंट, तो मैंने लिखा हैविंग काउंट डिस्टिंक्ट स्टूडेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 5। जब मैं इसको रन करूंगा तो ये मेरे हिसाब से सबमिट होना जाना चाहिए, तो आप देख सकते हो ये सबमिट हो चुका है। तो ये सिंपल सी क्वेरी थी, सो आई होप आपको समझ में आई होगी। सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।